बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का सोमवार शाम को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 72 साल के थे। बीते कुछ समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। सुशील ने करीब 7 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई थी, जिसमें कैंसर का पता चला था। इसके बाद से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 3 अप्रैल को अपने कैंसर की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। लिखा था कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूँ, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। बता दें कि सुशील मोदी का पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना पहुंचेगा। पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट से सीधे घर ले जाया जाएगा। राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां से बीजेपी ऑफिस विधान पार्षद होते पटना के गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सुशील मोदी के निधन की खबर फैलते ही बिहार समेत दिल्ली में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, पीएम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। बिहार बीजेपी ने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।